नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत को फिर से धमकी मिल रही है, शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब सवाल है कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सवाल ये भी है कि गिरफ्तारी की बात क्यों आई है। दरअसल मामला ये है कि जब से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद राकेश टिकैत के तेवर में बदलाव तो आए थे, लेकिन उनके बोल वही रहे हैं। मोदी सरकार के साथ साथ योगी सरकार को वो खुला चैलेंज देते रहे हैं। वो हमेशा से कहते रहे कि बुलडोजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनका बुलडोजर गरीबों पे चल रहा है, बाबा का बुलडोजर, लेकिन वो जो है बीजेपी के नेता और विधायकों पे नहीं चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इतना दम है तो हमारा ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों तैयार है, अगर दम है तो उस बुलडोजर हमारे इस ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक कर दिखा। यानी कि खुली तरीके से वो केंद्र सरकार के साथ साथ, यानी डबल इंजन, अगर एक शब्दों में कहें तो डबल इंजन की सरकार को धमकी देते नजर आए थे, चेतावनी देते नजर आए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका कोई भी फर्क डबल इंजन सरकार पे नहीं पड़ा है। अब दरअसल मामला ये है कि जेवर एयरपोर्ट की कहानी तो आप बाखूबी तरीके से जानते ही है। उसको लेकर उन्होंने कुछ शर्त रखी है, उससे योगी सरकार फिर से एक बार बौखला गई। और यही वजह है कि शायद अगर वो ज्यादा इस तरह के सवाल उठाते रहे तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब आप जानते हैं कि 2014 के बाद से केंद्र सरकार के साथ साथ जहां बीजेपी की सरकार है, अगर उनके खिलाफ या तो आप सच बोलते हैं या फिर आवाज उठाते हैं तो गिरफ्तारी या फिर यूएपीए, ये तमाम चीज लगने का एक डर नहीं होता ही है। इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि शायद राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि बेंगलुरु में जाना, उनके काफिले पे हमला होना, काली स्याही फेंकना, इस बात की ओर इशारा कर रही है कि राकेश टिकैत का जो दिन है आने वाला वो ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बखल उतारने की बात वो किसी और का कर रहे थे, उनका खुद उतर गया। देखते हैं कि वाकई में राकेश टिकैत के इन चुनौतियों और धमकियों का बयान बीजेपी की तरफ से क्या आता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बैठक होती है। देखते हैं एसपीएन आई न्यूज़। नमस्कार।